सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम येस बैंक स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम ये स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके ये स्टॉक किसी दिशा पे मूव करने वाला है उसका ट्रेंड के बारे में पता लगाएंगे और ये स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, बेसिकली स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के लिए मैंने ये स्टॉक का ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके ये टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं कि ये स्टॉक अभी किसी दिशा पे मूव करने के लिए और कितना मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने येस बैंक स्टॉक का डेली चार्ट ओपन किया है। तो दोस्तों, डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप ये स्टॉक का ट्रेंड को देखोगे दोस्तों, इसका ट्रेंड अभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे चल रहा है। देखिए, इसका जो ओवरऑल ट्रेंड था दोस्तों, एक दो महीना पहले ये स्टॉक जब 29 के आसपास लो बनाया था, इसी लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और ये एक से डेढ़ महीना के अंदर ये 75 के आसपास चला गया। लेकिन दोस्तों, ये 75 का लेवल येस बैंक स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। देखिए, कंटिन्यूअसली दो तीन बार ये लेवल के आसपास आने के बाद ये लेवल को स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है और इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाता है। और देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास ये स्टॉक आने के बाद ये शॉर्ट सेलिंग का पैटर्न फॉर्म करके बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बहुत तेजी से स्टॉक नीचे की तरफ आ जा रहा है। और देखिए, यहाँ पे मैंने अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और ये स्टॉक अभी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे देखिए 7 से 8 दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक किसी ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड करता है तो दोस्तों, वो स्टॉक और तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है। और देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जब नीचे की तरफ आ रहा था और ये 60 लेवल के आसपास जो स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल था, जब ये स्टॉक ये 60 या 62 लेवल के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट को तोड़ दिया दोस्तों, उसके बाद इसके लिए जो स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल आ रहा था 55 लेवल से लेकर 56.75 लेवल के आसपास। और देखिए दोस्तों, अभी ये 55 लेवल को भी ये स्टॉक तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है। और देखिए, आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है दोस्तों, ये कितना बड़ा बियरिश कैंडल फॉर्म करके एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ये स्टॉक का ट्रेंड को देखोगे और अगर आप ये स्टॉक का वॉल्यूम को भी देखोगे, देखिए दोस्तों, स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और इसका वॉल्यूम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, ये स्टॉक का ट्रेंड और ये वॉल्यूम को देख के हमको पता चल रहा है ये स्टॉक और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर किसी भी स्टॉक नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, अगर उसको उसका वॉल्यूम साथ देता है तो उसी दिशा पे वो स्टॉक और तेजी से चला जाता है। तो दोस्तों, अभी ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये ट्रेंड को ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो ये ट्रेंड को देख के और ये वॉल्यूम को देख के हमको पता चल रहा है कि ये स्टॉक और तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है। और देखिए दोस्तों, अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों, ये 45 लेवल के आसपास हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन सकता है। अगर ये स्टॉक ये 45 लेवल को तोड़ के भी नीचे की तरफ आएगा तो देखिए दोस्तों, उसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल बनेगा ये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 36.75 लेवल के आसपास। अगर ये स्टॉक ये 36.75 लेवल को भी तोड़ के नीचे की तरफ आ जाता है तो दोस्तों, ये बहुत जल्दी ये स्टॉक 29 लेवल के आसपास वापस पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये स्टॉक इसी लेवल से बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ जाने लगता है और मिनिमम 2 से 3 दिन ये 75 के ऊपर ट्रेड करता है तो दोस्तों, ये 1 से 2 महीना के अंदर ये स्टॉक ये 97-98 लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अभी के लिए स्टॉक पे डाउनवर्ड का सिग्नल दिख रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रहा है ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। तो दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर ट्रेड करता है तो हम उस स्टॉक को बुलिश मानते हैं। अगर कोई भी स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम उस स्टॉक को बियरिश मानते हैं।
और देखिए दोस्तों ये स्टॉक अभी कंटिन्यूअसली 5-6 दिनों से इसी लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों ये नीचे जाने के लिए हमको कॉन्फर्मेशन दे रहा है। दोस्तों अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा हमको इंट्राडे के हिसाब से किसी लेवल के आसपास एंट्री करना है और हमारी स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एटीआर वैल्यू को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एटीआर वैल्यू के हिसाब से हमको पता चल जाता है कि ये स्टॉक एक दिन पे ऑन एंड एवरेज कितना मूव कर सकता है और उसके हिसाब से हम उसका स्टॉप लॉस और टारगेट निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एटीआर वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों एटीआर वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक का एवरेज एटीआर आ रहा है 5, मतलब ऑन एंड एवरेज ये स्टॉक एक दिन पे 5 पॉइंट के आसपास मूव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों एटीआर वैल्यू के हिसाब से हमको किसी लेवल के आसपास एंट्री करना है और किसी लेवल के आसपास हमारी स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों उसका स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए बेसिकली हमको 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमको इंट्राडे पे किसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है उसके बारे में अच्छे से आइडिया आ जाता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है, तो ये 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखिए इसका एटीआर आ रहा है 1.44, तो ये 1.44 के हिसाब से हमको किसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। देखिए दोस्तों जितना भी एटीआर हमको दिखाएगा उस पर हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो रिजल्ट आ रहा है 2.16, मतलब आप राउंड फिगर इसको 2 ले लीजिए, तो 2 पॉइंट के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों जितना हम स्टॉप लॉस रखेंगे उसका डबल हमारी टारगेट रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर हमको एंट्री करना है हम ये लेवल के आसपास एंट्री करेंगे, मतलब ये 50 लेवल के आसपास हमारी एंट्री आएगा। और देखिए इसी लेवल के आसपास अगर हम एंट्री करेंगे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 52 लेवल के आसपास, और हमारा जो बेसिक टारगेट रहेगा वो 46 लेवल के आसपास। तो देखिए ये लेवल के आसपास हमारी टारगेट रहेगा। तो दोस्तों इंट्राडे पे अगर आप इस पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ जाना चाहिए। तो ये एनालिसिस के हिसाब से हमको पता चल रहा है ये येसबैंक का स्टॉक कल 46 लेवल के आसपास जा सकता है। तो चलिए दोस्तों येसबैंक का ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देखते हैं कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से किसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे येसबैंक का जो क्लोजिंग दिखा रहा है 50.50 लेवल के आसपास, 50.40 लेवल के आसपास। तो देखिए दोस्तों ये 50.40 लेवल के हिसाब से हमारा जो एट द मनी आ रहा है वो आ रहा है 50 पे। तो अगर हम 50 पे एट द मनी लेते हैं, देखिए 50 का राइट साइड पे जो भी डाटा हमको दिख रहा है ये सारे पुट का डाटा है, और लेफ्ट साइड पे जो भी सारे डाटा हमको दिख रहा है ये सारे कॉल का डाटा है। तो दोस्तों पुट के डाटा के हिसाब से हमें स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आ रहा है उसको निकालेंगे, और ये कॉल का डाटा के हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो हमको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये सारे पुट और कॉल का डाटा को देखते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली हम ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा के ऊपर फोकस करेंगे। तो दोस्तों 50 का राइट साइड को अगर आप देखोगे, देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे जो सबसे ज्यादा पुट का राइटिंग हुआ है दोस्तों ये 50 लेवल के आसपास, वो कॉन्ट्रैक्ट है 4,57,600। और देखिए जो सेकेंड हाइस्ट पुट का राइटिंग हुआ है ये 45 लेवल के आसपास। तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से हमारे लिए येसबैंक स्टॉक के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आ रहा है ये 50 लेवल के आसपास आ रहा है, क्योंकि ये लेवल पे सबसे ज्यादा पुट का राइटिंग हुआ है और सेकेंड हाइस्ट सपोर्ट का लेवल ये 45 लेवल के आसपास आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी कॉल का डाटा को देख के इसका रेजिस्टेंस के बारे में पता लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये कॉल के डाटा के हिसाब से जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है ये 50 लेवल के आसपास। तो दोस्तों 50 लेवल पे 11,35,200 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है, और सेकेंड हाइस्ट ऑप्शन चेन राइट हुआ है ये 45 लेवल के आसपास, जो कि 68,200 लेवल पे।
तो दोस्तों ये डाटा को देख के हमको पता चल रहा है कि ये 50 लेवल पे सबसे ज्यादा पुट और सबसे ज्यादा कॉल का राइट हुआ है। और देखिए दोस्तों ये ऑप्शन चेन का डाटा के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ये कॉल साइड पे ऐड हुआ है जो कि 11,35,200 लेवल के आसपास। तो दोस्तों बहुत ट्रेडर का मानना ये है कि येस बैंक का स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये 50 लेवल से येस बैंक का स्टॉक नीचे की तरफ ही जाएगा। तो दोस्तों ये डाटा के हिसाब से भी हमको पता चल रहा है कि 50 लेवल येस बैंक स्टॉक के लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था येस बैंक स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बताया कि येस बैंक स्टॉक के ऊपर किसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। दोस्तों अगर आपको निफ्टी फ्यूचर के ऊपर या कोई स्टॉक के ऊपर या बैंक निफ्टी के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है और आपको एक सेफ स्ट्रैटेजी चाहिए, दोस्तों मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक सेफ स्ट्रैटेजी बनाया है। और देखिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने कंटिन्यूअसली 8 मंथ से स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करके इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इसका सारे रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ लिख के शेयर कर रहा हूँ। और देखिए अभी दिसंबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है, तो दोस्तों दिसंबर मंथ का जो भी सारे रिजल्ट है, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको ग्रीन कलर पे और जो लॉस आ रहा है उसको रेड कलर पे मेंशन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये नेट नेट रिजल्ट को देखोगे, ये कैपिटल के हिसाब से 24,000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है और ये सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से 10-15% के आसपास आराम से रिटर्न दे देता है। अगर आप मार्केट पे बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हो, दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है क्योंकि स्ट्रैटेजी के माध्यम से आपको महीना में एक डिसेंट इनकम मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानना है, देखिए यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया है और ये चैनल आर्ट के अंदर भी मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया है, तो ये व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। Thank you.